हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेज राज। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए। थैंक यू। हे गाइस, तो अभी हम आके इधर झूला पे बैठ गए हैं और आज के वीडियो में ना आप लोग को बता ही देते हैं कि अंशु का अभी हमने ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से उसका ब्लड ग्लूकोज चेक किया, टेस्ट किया, तो उसका ब्लड ग्लूकोज ना लो आ रहा था। तो इसीलिए ना ब्लड ग्लूकोज जो है ना, इसको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। हमने भी मंगाया हुआ है अगारो का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, बहुत ही अच्छा है। इससे पता चल जाता है कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है ना, वो लो है कि हाई है। और आप अपनी फैमिली में चेक भी कर सकते हैं, आप जब चाहें तो टेस्ट कर सकते हैं। क्या होता है ना कि हम लोग डॉक्टर के पास बार बार जाते हैं तो ना पड़ता है, और ये बहुत ही अच्छा है। 400-500 रुपये में आप ये वाला ले सकते हैं अपने घर में, और जब चाहें आप टेस्ट कर सकते हैं। खास करके ना ये जो ब्लड ग्लूकोज मीटर है ना, ये इनको शुगर होता है ना, वैसे पेशेंट का चेक किया जाता है। बाकी आप ऐसे नॉर्मल लोगों का भी चेक कर सकते हैं कि उनका ब्लड ग्लूकोज लो है या हाई है, इससे आप सभी को पता चल जाएगा। क्या होता है ना, बार बार डॉक्टर के पास जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और जितनी बार जाओ उतनी बार क्या होता है ना कि खर्चा लगता है, उतनी बार आपको आने जाने का थोड़ा देखना होता है। तो इससे क्या है ना कि आप घर में ही अगारो का ब्लड ग्लूकोज ये वाला खरीद सकते हो। और इससे अभी हम आप लोगों को ना दिखाते हैं अंशु का ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करके, और इसी सिस्टम से हमने ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट किया। आप लोग भी टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा है और ये 400-500 रुपये के आसपास आपको मिल जाने वाला है, एंड अमेजोन पर बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाएगा। सबसे खास बात पता है क्या, इससे ना जब भी हमें टेस्ट करना होगा ना, तो 5 से 10 सेकेंड में हम अपना ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली में किसी का भी ब्लड ग्लूकोज चेक करना होगा ना, टेस्ट करना होगा, तो आप ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम के हेल्प से आप टेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी रिजल्ट आ जाता है कम टाइम में। तो सबसे पहले इस किट को ना ओपन करते हैं और इसमें आप लोग को दिखाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख सकते हैं कितना क्यूट सा बॉक्स है, और ये जो बॉक्स है ना, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ईजी है। हम इसे ना जब भी ट्रैवल करें तो इसे ले जाना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें ये सारा कुछ दिया हुआ है, और यहाँ पे अगारो का मैनुअल आता है जिसमें कैसे इसको यूज करना है, कैसे टेस्ट करना है, सारा कुछ इसमें बताया हुआ है। खास बात ना कि यहाँ पे इसका भी वारंटी कार्ड आता है। इसके साथ ना 10 पीसेस स्ट्रिप्स आते हैं और 10 पीसेस लेंसेस आते हैं, और यहाँ पे है अगारो का ग्लूकोज मीटर, जो कि देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये आता है एक बैटरी जो कि हम इसमें सेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। गाइस, आप सभी को हमने बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस आते हैं और कैसे हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग लेवल को टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसमें 10 पीसेस लेंसेट्स दिए हुए हैं और 10 पीसेस स्ट्रिप्स दिए हैं। इसे आप बाहर से ख़रीद सकते हैं और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ग्लूकोमीटर भी है, इसमें बैटरी डालने के बाद ना ये ऑन हो जाता है। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं, और ये है लेंसिंग डिवाइस जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप टाइम सेट कर सकते हैं, 3, 4, 5, 2, जितना भी आप चाहे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का सेट कर लिया है, और इसको ओपन करेंगे तो ये येलो बटन जो है वो ऊपर की तरफ होगा, और जब जैसे ही हम येलो बटन को टच करेंगे ना, फिर से बहुत अच्छे से ये ब्लड को वो कर देगा, निकालेगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें बैटरी डालने के बाद ये ऐसे ऑन हो जाता है। फिर हम यहाँ पर सेट करते हैं टाइमिंग वगैरह जो भी होता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, लेंसेट कुछ इस तरह से आता है पैक होकर, और बहुत ही इजीली हम इसको डिवाइस के अंदर डाल सकते हैं, जो कि आप लोग देख रहे हैं। पहले तो हम इसको के कैप को खोलेंगे, और जैसे ही कैप खोलेंगे ना, तो यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद ना, इसमें ऊपर का जो कैप दिया हुआ है, इसको हम अच्छे से इसको निकाल लेंगे, जो कि यहाँ निकालेंगे तभी जाके ये पिन कर पाएगा, अच्छे से ब्लड निकल पाएगा। तो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, और कितना अच्छा है। आप घर पे ही ग्लूकोमीटर, अपने ग्लूकोज मीटर को देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं लेवल कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं, लेंसिंग डिवाइस को हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। टाइम अपना यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 कर दिया है, आप चाहे तो 2, 3, 4 जितना मर्जी उतना कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ग्लूकोमीटर भी सेट कर दिया, यहाँ पे टाइम, डेट, और आप सब कुछ। सन 2024 है तो 2024 हमने कर दिया, डेट कितना है और टाइमिंग कितना हो रहा है, ये सारा कुछ हमने सेट कर लिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया ऑफ़। तो आप लोग देख रहे हैं, सब कुछ यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया है।
यहाँ पे टाइम हम चेंज कर रहे थे क्योंकि थोड़ी देर पहले चेंज किए थे, फिर अभी हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम को हमने बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया ताकि बहुत अच्छे से हम ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट कर सके। तो अभी हमने इसको ऑफ कर दिया सेट करके, एंड यहाँ पे जो डिवाइस है लेंसर डिवाइस, इसको हमने सेट कर दिया हुआ है। तो अब इसमें लगाना है मुझे स्ट्रिप्स, जो कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमने इसको फाड़ा और स्ट्रिप्स कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिप्स को ना ऐसे कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं। सबसे पहले हमने एक बार ऑन करके देख लिया, और आप यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं कि आफ्टर फूड या बिफोर फूड, मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ जो एरो का निशान दिख रहा है ना, ये ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर की तरफ होना चाहिए, और सामने वाले तरफ से ना हम टेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ देख सकते हैं इसका जो कोड है, जो हमने लगाया हुआ स्ट्रिप्स, इसका कोड 255 है। तो यहाँ पे ये स्टार्ट अप करेंगे ब्लड टेस्ट करना। सो अभी यहाँ पे ना हम बिफोर फूड आफ्टर फूड यहाँ पे सेट कर रहे थे, तो आफ्टर फूड के बाद हमने जैसे ही इसको वो किया सेट किया, उसके बाद देख सकते हैं बहुत अच्छे से सब कुछ सेट हो गया है। अब टेस्ट करना है ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी हम पहला टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि इसको जैसे ही येलो बटन को टच करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि बहुत अच्छे से ब्लड निकाल देगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ब्लड निकल गया है। अब सामने वाले जो पार्ट है ना मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे हम क्या करेंगे, इसका एंगल चेंज करेंगे 45 डिग्री पे, और यहाँ पे रिजल्ट अभी 5 सेकेंड में आ जाने वाला है। तो आप लोग देख रहे हैं 5 4 3 2 1, और अब आ गया रिजल्ट। तो लो भी नहीं है, हाई भी नहीं है, नॉर्मल रिजल्ट आया। तो आप लोग भी ना अपने घर पे ब्लड ग्लूकोज को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं अपने पूरे फैमिली में। गाइस, तो अभी नॉर्मल आया इसका टेस्ट रिपोर्ट, और अब चलते हैं अंशु का पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि अंशु का भी चेक करना था हमको। शुभम बाबू का भी हमने चेक कर लिया, इनका तो नॉर्मल था, बाकी इसका हमको लग रहा है पक्का लो होगा। तो यहाँ पे हम दूसरा लेंसेट्स को इसमें सेट कर रहे थे डिवाइस में, एंड अब अंशु का था, अंशु का भी बोला गया कि इसका भी टेस्ट कर लो, क्योंकि उसका पहले हमने टेस्ट किया था ना तो लो था, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि नहीं एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिप्स को फिर से इसमें लगाने के लिए कर दिया, जो एरो का निशान है ना वो इस डिवाइस के अंदर की तरफ होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर की तरफ, और सामने वाले से हम ब्लड को अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है ना इसके स्ट्रिप्स के, वो कोड यहाँ पे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लस इसमें हमने स्ट्रिप्स लगा दिया और लेंसेट्स लगा दिया है। तो अब यहाँ पे अब अंशु का हम करने जा रहे थे टेस्ट। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से एक ही बार में हमने पिंच किया और बहुत अच्छे से ब्लड भी निकल गया, तो मुझे लग रहा था कि शायद अब सही हो जाना चाहिए। उसके बाद से 45 डिग्री के एंगल पे ना जैसे ही हमने टच किया ब्लड टेस्ट, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिजल्ट आ गया, आप लोग देख रहे हैं। और ये इसका भी अंशु का भी रिजल्ट अच्छा था, तो बहुत सही है। पहले हमने किया था तो लो था, अभी सही था। तो अगर आप सभी को भी लेना है ना तो आप लोग ले सकते हैं, और बहुत इजी तरीके से आप लोग ग्लूकोज लेवल को फाइनली अभी देख लिए, रिजल्ट आ गया दोनों लोग का, और सबसे हेवी तो मैडम का रहा। हाँ, तो बस आप लोग भी रख सकते हैं ये वाला, अगारो का बहुत ही अच्छा है। इस तरह आप लोग भी ना ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से ग्लूकोज मीटर को मार्क करके रख सकते हैं, ये 180 रीडिंग को ना मेमोराइज करके रख सकता है। गाइस, आप लोग भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और आप लोग जरूर लीजिए। घर बैठे बैठे आप लोग भी ब्लड ग्लूकोज को टेस्ट कर सकते हैं, डे वाइज इसमें ये मेमोराइज करके रख भी सकता है। और अब मिस्टर आज भी चले गए हैं स्कूल, क्योंकि बोल रहे थे उनको इतना फीवर है फिर भी जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि बोल रहे हैं यार नहीं जाएंगे तो फिर वहाँ देखेगा कौन, तो इसलिए जाना भी वहाँ पे जरूरी था। बट हम बोले कि यार अब क्या ही कर सकते हैं, बोल रहे घर पे मन नहीं लगता है हमको,
वैसे भी वो घर में ना अब ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाते हैं, मतलब तबीयत खराब होता है, आते हैं खाना पीना खाते हैं, लेकिन अब दिन भर कोई घर में रहेगा ना तो अच्छा नहीं है, खास करके जेंट्स हमारे पापा खुद नहीं रहते हैं, यहाँ के भी पापा नहीं रह पाते हैं घर पे, तो ऐसा हो जाता है। तो अब इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स कर शेयर कीजिएगा, और जाते हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, लव यू ऑल।